वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो आज हम कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा घर। ये है हमारा छोटा सा घर। ये हमारे टीवी। तो मैं अभी आपको हमारा किचन दिखाती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा किचन। यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। ये किचन की गैलरी है हमारी। तो अभी हम आपको हमारे दूसरे जो बेडरूम है वहाँ पे लेके चलते हैं। हमारा छोटा सा बेडरूम। ये है मेरी बच्ची की टॉयज है सब। मम्मा हाय करो। से हाय। हाय करो। हमारे बेडरूम की गैलरी है। मैं आपको गैलरी बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत हवा आ रही है। ये हमारी गैलरी। ये हमारा व्यू है नीचे का। ये गार्डन है बच्चों का। देख सकते हो ये हमारा लोधा स्कूल है। थोड़ा सा आगे जाए तो यहाँ पे एक क्लब हाउस दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो जो फैसिलिटी है, जो जो आगे की जानकारी मेरे हस्बैंड आपको देंगे, पूरी डिटेल्स आपको बता देंगे। हाँ, तो जैसे कि हम जो है हमारी बिल्डिंग की लॉबी में खड़े हैं इस वक्त और मास्क वास्क पहन के रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। तो ये हम जो हमारी बिल्डिंग की जो गेट के बाहर आ चुके हैं। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि आगे क्या क्या है फैसिलिटीज। ये जो है वो शिवा टेंपल है यहाँ का। और ठीक इसके बाजू में अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा क्लब हाउस है। तो ये थोड़ा नज़दीक से आप देख सकते हो हमारा जो क्लब हाउस है। अभी तो फिलहाल कोरोना पैंडमिक के हिसाब से जो है बंद किया गया है। अगर चालू होता तो ज़रूर आप अंदर जाके बताता मैं। तो ये तो था हमारा क्लब हाउस जो हमारे पीछे दिख रहा है। अब हम थोड़ा इससे आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट बनाया गया है। बिल्कुल लगता ही नहीं कि आप कहीं मुंबई में आप रह रहे हो। ऐसा लगता है कि कहीं आप दूर गांव में कहीं आए हो। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। नेचुरल आपको जो यहाँ पे फ्रेश हवा मिलती है, पॉल्यूशन नहीं है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रहने के लिए। तो ये आप ठीक सामने देख सकते हो, ये जो है वो श्रीराम स्कूल है और उसके बाजू में जो है वो लोधा वर्ल्ड स्कूल है। तो ये दोनों स्कूल भी जो है वो सोसाइटी में ही है और ये सोसाइटी का ही स्कूल है, लोधा का ही स्कूल है। तो आपको सोसाइटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बच्चे को अगर पढ़ाना भी है तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हो। काफ़ी अच्छी स्कूल है। हम थोड़ा आगे जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि इसे जो है वो पलावा लेक शोर क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि इसे लेक शोर क्यों बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे अभी यहाँ से। तो चलिए फिर चलते थोड़ा आगे। एक और बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पलावा सिटी है वो इंडिया की नंबर 1 यानी कि सबसे पहले बनने वाली जो है एक स्मार्ट सिटी में आता है। और
और इसे स्मार्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सारी वो चीज़ें अवेलेबल है कि जो आपको मतलब कहते हैं ना डेली बेसिस की जो नीड होती है, तो वो काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाया गया है। मतलब एक बार आप गेट के अंदर आ गए तो आपको गेट से बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसको लेक शोर क्यों बोलते हैं, तो ये है उसका रीज़न कि यहाँ पे हमारे जो सोसाइटी कंपाउंड है उसी के अंदर जो है वो लेक भी है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो लेक शोर ग्रीन रखा गया है। ये आप सामने देख सकते हो, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, सामने जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें बन रही है, तो ये जो है वो फेज़ 3 बन रहा है पलावा का। और अगर आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ, तो ये जो ऑलरेडी बन चुकी है ये फेज़ 2 है लेक शोर ग्रीन, और यहाँ पे हम रहते हैं। और ये सामने जितना भी बंद दिख रहा है सारी शॉप्स है, धीरे धीरे अभी ओपन होने वाली है, कुछ कुछ ओपन हो चुकी है, कुछ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ओपन होने वाली है, तो आगे चल के और भी जो है डेवलप होने वाला है। और जो आप देख रहे हैं पूरा ये जो है वो पार्क है, जैसे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए। तो ये है वो बच्चों का प्लेग्राउंड, जहाँ पे आपको ज़्यादातर सुबह में और शाम में जो है लोग दिखने मिलेंगे। फिलहाल इसे बंद रखा गया है। तो सामने देखिए शॉप्स भी जो है थोड़ी थोड़ी ओपन हो चुकी है, जैसे कि सामने आप देख सकते हो। अभी ये जो रास्ता है वो सीधा गेट के बाहर जाता है, यानी कि जो पलाव का जो मेन गेट है उसके बाहर अगर आपको जाना है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे हॉकर्स वगैरह बैठे सब्जी वगैरह लेके। तो फिर घूमते घूमते दोपहर से शाम होने आई गई है, इनफैक्ट शाम हो ही गई है। तो चलिए फिर वापस घर पे चलते हैं। हमारा दरवाज़ा जो ओपन कर लिया, ये हो गया हमारा दरवाज़ा ओपन। तो अब हम पहुंचे हमारे फ्लोर पे। तो आज का हमारा साथ जो था वो यही था। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे